एवरीवन, दिस इज सफिया इंतजार। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा कीमा। तवा कीमा के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर चिकन का कीमा आधा किलो, दही 4 टेबलस्पून, क्रीम 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, साबुत मसालों में हमें चाहिए बड़ी इलायची, 2 लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, सब्ज़ मिर्चें हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए, और जितने भी स्पाइसेस हैं उसमें हमें धड़ा मिर्च चाहिए 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, और साथ में रूटीन मसाला चाहिए जिसमें ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च है तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं तवा कीमा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम घर पे तवा कीमा तैयार करते हैं तो अमूमन हम घर के में रोटी बनाने वाला तवा यूज़ करते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट हम उस पर शुरू कर देते हैं तो उससे चिपक जाता है कीमा नीचे। तो उसके लिए पहले उसको थोड़ा नॉन स्टिक कर लें। कोशिश करें उस पर गर्म करें तवे को, थोड़ा ऑयलिंग करने के बाद इसके ऊपर पानी डालें। ये देखिए प्याज लगा के इस सारे के ऊपर से आपने फेर देना है। थोड़ा इसके ऊपर पानी डालें। और रुमाल के साथ इसे अच्छे से साफ कर लें। इस तरह से क्या होगा कि डायरेक्ट आपका जो कीमा है वो आपके तवे के साथ चिपकेगा नहीं, ये थोड़ा नॉन स्टिक हो जाएगा। बहुत तेज आंच आपने नहीं रखनी, नॉर्मल आंच रखनी है। घी डालेंगे इसके ऊपर। बहुत तेज आंच रखेंगे तो जल जाएगा हमारा मसाला। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो इस पे पहले ऐड करेंगे। अब ये देखिए जो हमने यहाँ पर प्याज से पहले इसे नॉन स्टिक किया था तो उसकी वजह से अब ये चिपक नहीं रही इनके साथ चीजें। 1 से 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे ताकि इसकी कच्ची जो खुशबू है वो खत्म हो जाए, थोड़ा ये पक जाए। से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें घी के ऐड किए थे और इसको मैंने भून लिया। अब इसमें शामिल करेंगे कीमा। अब इसे भूनेंगे। चिकन को हम भून रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर दबा के तो ये देखिए चिकन के अंदर से ये चिकन का खुद का ही पानी छोड़ा हुआ है।
मसाले डालने से पहले पहले हमें इसके पानी को अच्छे से खुशक कर लेना है और ये अपने पानी के अंदर ही गल जाएगा। एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन हमारा भुन रहा है, अब इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी एक साथ, साबुत नहीं, पिसे हुए जितने भी स्पाइसेस हैं। और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लूंगी। स्पाइसेस आपने तब ऐड करने हैं जब चिकन आपका 3% गल जाए, फुल गला के नहीं आपने इसमें डालना, मतलब आपका चिकन 3 हिस्से गला होना चाहिए, फिर आपने स्पाइसेस ऐड करने। अगर मैं दिखाऊं तो आप देखें कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है तो बिल्कुल थोड़ा है। तो इस स्टेज पे आपने स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। अगर तेज़ रखेंगे चिकन जल्दी जल जाएगा और स्पाइसेस भी जल जाएंगे। दो से 3 मिनट हो गए हैं इसको अच्छे से भूनते हुए मसालों को। अब हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे बल्कि उसकी जगह पे दही ऐड करेंगे, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगी तो उससे मसाले अच्छे से भून जाएंगे। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तवा मसाला बनाते हुए आपने पानी ऐड नहीं करना मसालों के बाद। अगर पानी ऐड कर देंगे तो दही भी अपना पानी छोड़ेगी तो उस तरह से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसे अच्छे से भून लेंगे और दही के पानी के अंदर ही मसाले अच्छे से पक जाएंगे। दही को भूनते हुए आपने इसमें साबुत मसाले भी ऐड कर देने हैं। आप ये देख लें, इसमें बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, बादियान का छोटा सा टुकड़ा है, पूरा फूल नहीं डालना, तेज पत्ता है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा भून चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्ची और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी आप तवा कीमा घर पे बना रहे हैं तो आंच आपने हल्की रखनी है। बहुत अच्छी अगर आप बनाना चाहते हैं रेसिपी तो उसके लिए ज़रूरी है कि आंच हल्की रखें। थोड़ा टाइम लगता है इसे बनने में लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। तो फाइनली हमारा तवा कीमा बनने के करीब है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम, तो उससे पहले मैं आंच बिल्कुल बंद कर दूँगी। हमेशा याद रखें जब भी आपने क्रीम ऐड करनी है तो आंच आपने बंद कर देनी है। अगर आग जलती रहेगी तो वो आपकी क्रीम को जला देगी और उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। आग बिल्कुल बंद कर दें। 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम है मैंने इसमें जो ऐड की है। अब इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो चलें सर्व करते हैं हम। तो फाइनली हमारा जो तवा कीमा है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें।